हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक 19 इंच का टीवी सेट आया हुआ है जो एक टेक्नीशियन लेकर आए हैं। ये सेट पैनल फॉल्ट पे आया है हमारे पास, जो कि वाइट स्क्रीन में है। चलिए इसको हम पहले ऑन करके देख लेते हैं कंडीशन, कस्टमर ने जैसा बताया वैसा है या नहीं है। चलिए इसको ऑन करते हैं। पहले देखिए, इसमें लाइट आ चुका है। अब हम स्विचिंग करेंगे। यहाँ ये सेट ऑन हो चुका है। देखिए, स्क्रीन इसकी टोटल वाइट है, मतलब बैक लाइट जल रही है और स्क्रीन वाइट है। इसमें नो पिक्चर है, मेलबोर्न की टीवी है। चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले दोस्तों, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको हर फॉल्ट और हर रिपेयर करने का जो तरीका है उसको आपको सटीक इसी चैनल पर मिलेगी। अब देख सकते हैं, हमने सेट को ओपन कर लिया है। पैनल के नट पहले खोल लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसमें डस्ट बहुत है, कचरा है। हम पहले इसको ज़रा साफ करेंगे। यहाँ पैनल पे देख सकते हैं टेप चिपका हुआ है, ऊपर पेपर है, इसको निकालेंगे। और यहाँ देख सकते हैं LVDS सोल्डरिंग करके रखे हैं इन्होंने। शायद सॉकेट ख़राब होगी या फिर डेटा मिलाने के चक्कर में ये। चलिए पहले हम वॉश कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं, जो इसमें मकरी जाला वगैरह है और डस्ट है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं फिर आगे। देख सकते हैं, हमने साफ़ कर लिया है इसको और LVDS कनेक्ट है। दोस्तों, इसमें हड़बड़ी नहीं करना है आपको, शांति से पहले बारीकी से चीज़ों को समझना है कहां पर क्या है और क्यों इस तरह के सिम्टम्स टीवी पर नज़र आती है। चलिए हम पहले इसको ऑन करके इसकी जो बेसिक वोल्टेज है उसको मेज़र करेंगे। चलिए हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लिए हैं। यहाँ एक पोड़ा को ग्राउंड किया है हमने। अब सप्लाई देते हैं इसमें। चलिए सेट को पहले ऑन कर लेते हैं और बैकलाइट यहाँ देख सकते हैं आप, ऑन करने के बाद जो बैकलाइट है ग्लो होगी। यहाँ आप देख सकते हैं बैकलाइट ग्लो हो चुकी है। यहाँ चलिए अब इसकी जो बेसिक मेन वोल्टेज है, जो पैनल सप्लाई वोल्ट है, वो पहुँच रहा है कि नहीं उसे हम पहले चेक करेंगे। यहाँ से इसकी पैनल सप्लाई आउटपुट है तो हम यहाँ पहले चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ कोई वोल्ट नहीं है, 0 वोल्ट है। यहाँ नहीं है तो फिर पैनल तक तो ऑब्वियसली ये वोल्ट नहीं पहुँचेगी। देख सकते हैं यहाँ भी सेम है, 0.791। अभी तक तो हमें ये मालूम चला है कि पैनल सप्लाई की वजह से वाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि सप्लाई नहीं पहुंच रही। यहाँ देख सकते हैं जो 3.3 वोल्ट और उसमें जंपर किया हुआ है, जो कि पैनल 3.3 वोल्ट की है, यहाँ पर जंपर किया है। जो कंपनी का जंपर होता है वो नहीं है, सोल्ड करके इसको जंपर किए थे। तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ वोल्ट है या नहीं। यहाँ
5 वोल्ट होगी एक साइड में, ये देखिए 5 वोल्ट है, और एक साइड में 12 वोल्ट होगी, यहाँ 12 वोल्ट है जो कि 11.79 वोल्ट है, ओके है, और एक सिरे पर 3.3 वोल्ट होगी, जो पैनल सप्लाई इसमें है रिक्वायर्ड सप्लाई जो 3.3 वोल्ट है वो यहाँ होगी जहाँ पे जंपर लगा हुआ है, क्योंकि यही वोल्ट पैनल में जाएगी। वो आपको मालूम होगा जंपर हम अलग अलग चेंज करते हैं पैनल हिसाब से, यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट नहीं है, जो कि यहीं पर 3.3 वोल्ट नहीं है तो वो जो हमारा स्विचिंग मॉसफेट है वहाँ तक तो नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट 3.3 वोल्ट हमें पैनल सप्लाई वाली जहाँ बन रहा है वहीं से नहीं है तो मॉसफेट तक पहुँचना तो सवाल नहीं है कि यहाँ पहुँचेगा करके। फिर भी चलिए हम एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं पहुँच रहा है कि नहीं। देख सकते हैं इसकी गेट ड्रेन कहीं पर भी सोर्स कहीं पर भी बोल्ट नहीं है, देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो 3.3 वोल्ट है हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ से ये 3.3 वोल्ट बना है पैनल सप्लाई के लिए। ये मॉसफेट तो पैनल सप्लाई को स्विचिंग करने के लिए है, यहाँ से 3.3 वोल्ट नहीं बनेगी। इस मॉसफेट पे इनपुट सप्लाई कहीं और से आ रहा होगा, हम उस लाइन को ट्रेस करेंगे और देखेंगे कहाँ से। तो इस सेट में जो 3.3 वोल्ट बना है वो 5 वोल्ट से डायोड के थ्रू बना है, आप देख सकते हैं यहाँ एक डायोड है और यहाँ एक डायोड है, जो दो डायोड सीरीज़ में लगा कर उन्होंने 3.3 वोल्ट बनाए हैं। यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से डायोड होकर यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ देख सकते हैं हमने जो थोड़ा हिलाया तो यहाँ 4 वोल्ट आया है अभी, और देखते हैं अभी आगे आया कि नहीं, मतलब ये डायोड में कुछ दिक्कत है। ये देख सकते हैं यहाँ 4 वोल्ट आ चुका है, मतलब इस डायोड में लूज कांटेक्ट होगी या फिर डायोड ख़राब होगी, जो कि उसमें थोड़ा हिलाने के बाद वो अंदर से शायद हो सकता है कनेक्ट हो गया होगा। देख सकते 3.3 वोल्ट भी यहाँ आ चुका है, अब देखते हैं इस जंपर पे 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी 329 वेरी हो रहा है वोल्ट, मतलब या तो ड्राई सोल्ड है उस डायोड पे या फिर डायोड खुद ख़राब है। अब देखते हैं फिर भी यहाँ वोल्ट पहुँचा कि नहीं। देख सकते हैं अब यहाँ पर भी वोल्ट पहुँच चुका है, जो यहाँ भी वेरी हो रहा है। ये वोल्ट फिक्स्ड 3.3 वोल्ट होनी चाहिए, 3.4 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए, सो जो कि वेरी हो रहा है और पहले तो था ही नहीं। तो हम पहले उस डायोड दोनों को चेंज करेंगे। अब देख सकते हैं दो पीसीबी से हम दो डायोड निकालेंगे इसके स्क्रैप में से। यहाँ एक डायोड है जो 1M है और यहाँ एक डायोड है, सॉरी M7 है। इन दोनों डायोड को हम निकाल के वहाँ फिक्स करेंगे इस बोर्ड में। अब देख सकते हैं हमने जो पुरानी डायोड है उसको निकाल के अलग से रखे हैं, और वहाँ पर स्क्रैप में से हमने निकाल कर इसमें लगाए हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने स्क्रैप में से निकाल कर यहाँ डायोड लगा दिए, और पुराने वाले डायोड हमने निकाल दिए, जो कि आप इसकी सोर्स पीसीबी के ऊपर रखा हुआ देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी जो सप्लाई वोल्ट है वो सही हुआ कि नहीं, और जो वेरी हो रहा था वो भी रुका कि नहीं।
चलिए यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3.4 वोल्ट जो आ चुका है। चलिए अब हम पैनल पे चेक कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए 3.3 वोल्ट जो मॉस्फेट से इसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो पहुँच रहा है, और जो LVDS कनेक्टर है यहाँ पर भी 3.4 वोल्ट जो कि है वो आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसकी जो सप्लाई है उसको ओके किया। अब हम इसको सीधा करके फिर देख लेते हैं इसमें और कोई दिक्कत है या फिर पिक्चर बना है कि नहीं बना। यहाँ पहले हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। चलिए अब ऑन करके देखते हैं इसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ सप्लाई ही मिसिंग थी या फिर दूसरा और भी कुछ प्रॉब्लम है वो मालूम चल जाएगा अभी। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये सेट कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो ब्लू स्क्रीन है और ये भी लिखा आ रहा है, बट इसमें एक लाइनिंग के इशू आ रहा है जो सोर्स कॉप की लग रही है। यहाँ सोर्स कॉप पे दिक्कत हो सकती है इसकी। चलिए अब हम इसमें पैनल जो है वीडियो सिग्नल कनेक्ट करके देखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें पिक्चर ओके हो चुका है, कंप्लीट है, लेकिन ये लाइनिंग इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। ये कॉप की प्रॉब्लम है और पैनल की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। इसकी जो सोर्स PCB है काफ़ी पतली है जो हम काम करते समय देखे हैं। इस लाइन को भी सही कर सकते हैं हम टी आयरन के जरिए, बट उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे अभी। खैर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहे।